गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज का अब जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर रही हूँ मैं। आज बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो ये देखो, ये रखा है प्लेट में ऊपर पनीर, और ये मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है, चॉपर में दरदरा ही पीसा है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे हरा धनिया। ये मैंने पत्ती पत्ती काट के रखी है, तो ये हरा धनिया हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, गरम मसाला, नमक, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखो, जीरा, क्यूमिन सीड्स, और थोड़ा सा, ये हैवी होते हैं देखो पराठे, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। उसको हम थोड़ा हाथों में लेके थोड़ा क्रश करके तब डालेंगे, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें अपना जो हमारा ये पनीर है इसको भी हाथ से ही क्रश करके इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं क्रश कर लेती हूँ पहले सारा। इससे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। थोड़ा हैवी तो हो जाते हैं, देखो पनीर है तो थोड़ा हैवी हो जाते हैं पराठे, बट लेकिन बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं और एकदम फूले फूले। तो जितनी भी आपको क्वांटिटी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें टमाटर, वो सॉरी प्याज, अदरक, लहसुन इसको ऐड कर सकते हैं। जो मैंने इसमें नमक डाला है ना, उससे थोड़ा बहुत जो पानी रिलीज होगा वो पनीर को सॉफ्ट बना देगा देखो और भी, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था, ये कल का बनाया हुआ और घर पे ही बनाया था मैंने। हम इसे अच्छे से पनीर को भी इसमें मिक्स कर लेंगे, और जो नमक मिर्च मसाले हैं वो भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करके बैटर बना के रख लेंगे हम। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसके पराठे। देखो फ्रेंड्स, अब हम अपने पराठे बनाना करते हैं शुरू। तो हम एक लोई ले लेंगे, हम आज डबल वाले पराठे नहीं बना रहे हैं, तो सिंपल एक लोई लेंगे, थोड़ी रोटी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी लेंगे। और उसके बाद उसमें एक कटोरी साइज़ का उसको बना के, और उसमें अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भर के, और हम इसको बेल लेंगे देखो। और हम डालेंगे अपने गरम तवे पे, तब तक हम दूसरी लोई लेंगे और तब तक दूसरे की तैयारी करेंगे। ये देखो, हाथों से कटोरी बनाएंगे और उसके बाद उसमें दबा दबा के भरेंगे और फोल्ड करके उससे हम बेल लेंगे। क्योंकि अभी मैंने तवा चढ़ाया तो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा भी बना पा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही साथ साथ बना के रखती रहती हूँ ताकि जल्दी जल्दी होता रहे। देखो पराठे सभी को गरम गरम चाहिए होते हैं खाने में, और तभी वो अच्छे भी लगते हैं। ये देखो, और अब चलते हैं हम अपने पराठे में लगाते हैं तेल या घी, आप जो लगाना चाहें। मैंने घी लगाया है, पिघला रखा है, और ये लगाया है मैंने घी। और इसको देखो कितना फूल फूल के कितना बढ़िया हो रहा है। हम इसे चम्मच से ही दबा दबा के अच्छी तरह से सेक लेंगे, ये देखो पलट पलट के। और देखो मैं छोड़ भी रही हूँ ना तो भी अपने आप ही फूले जा रहा है देखो। तो इसका मतलब है कि पराठा बिल्कुल परफेक्ट बना है और अच्छे से सिक गया है, और हम देखो प्लेट में जा रहा है सीधा। देखो फ्रेंड्स, हमारा पराठा हो गया तैयार। आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, ये है हमारी आलू मटर की सब्जी और मिर्च, ये देखो कितना बढ़िया पराठा बना है ना, इस तरीके से बनाएंगे। अगेन हम अपने बाकी के पराठे बनाते हैं, और ये देखो मेरा कोई भी पराठा ऐसा नहीं होगा जो फूलेगा नहीं। तो आप भी इस ट्रिक से बनाएं तो आपके भी पराठे बहुत बढ़िया बनने वाले हैं फ्रेंड्स। ट्राई ज़रूर करना,
बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और देखो कितने फूले फूले, मैं चम्मच से दबा रही हूँ ना तो एकदम फूल जा रहा है, ये देखो। और अलट पलट के हम इसे दबा दबा के सेक सेक के करारे बना लेंगे, करारे ही पराठे। और गर्मा गर्म खाए जाए ना, बनते रहें और खाते रहें लोग, तो उससे क्या होता है कि एक तो पता चलता रहता है कितने बनाने हैं, और एक होता है कि उसका टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। देखो ना तो ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, और स्टफिंग इसमें पूरी बराबर भरी हुई है, अच्छे से भरी हुई है, मतलब कहने का पूरा फुल फुल। मैं दबा दबा के कटोरी टाइप की बनाती हूँ, फिर उसमें स्टफिंग देखो खूब सारी भरती हूँ, फिर उसे नीचे दबाती हूँ और फिर ऐसे इसको बंद कर लेती हूँ ऊपर से। और थोड़ा सा ना इसको भी हाथ से करेंगे ताकि वो स्टफिंग है ना वो इक्वली चारों तरफ फैल जाए। उसके बाद इस पर बेलन लगाना है देखो, तो उससे क्या होता है चारों तरफ अच्छे से इक्वल फैलती है, वरना तो क्या होता है ना कहीं कहीं पे रहती है, कहीं पे खाली रहता है पराठा। अब जैसे ये पराठा फूल रहा है ना तो ये खुल जाएगा, अभी बच्चे देखेंगे ओहो ये अंदर से खाली है, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा फिर, तो इसलिए ये देखो। और जब तक पराठा दोनों तरफ से सिक ना जाए ना बराबर, तब तक उसमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ये देखो जब दोनों तरफ से फटाफट अच्छे से सिक जाए तब उसमें सिम आँच करके तब ऑयल लगाओ अच्छे से, ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें। ये देखो वैसे पराठे जो होते हैं ना वो खरे घी में बने ना, घर के घी में, उनका टेस्ट कुछ और ही होता है। और कोई बना रहा हो और बैठ के सब खा रहे हो तो उसका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। देखो वो तो सिंपल रोटी भी हो उसका भी बढ़ जाता है, पर ये अपने नसीब में कहाँ होता है ना। घर में जो लेडीज़ काम करती हैं उनको तो मुश्किल है, अपने लिए बनाओ फिर वो सोचती है अरे थोड़ा सा ये किचन का निपटा लूँ तब बैठूँगी अपने लिए खाना लेके, तो उसको नहीं पता इस टेस्ट का। ये तो सब बैठ के खाने वालों के लिए है, जैसे बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, या कोई और भी गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, उनके लिए तो है ये ना। हमने हमें कौन देगा बना के, खुद ही बनाने वाले हैं हम। ये देखो कितना बढ़िया फूला ना, ये देखो कितना बढ़िया। और मेरे सारे पराठे ऐसे ही फूलते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मेरी रोटी भी सारी फूलती है, एक भी नहीं होती ऐसी कि जो ना फूले। ये देखो और जितने बन रहे हैं ना उतने जा रहे हैं साथ साथ, रुक नहीं रहा है यहाँ पे कोई भी। तो आपको कैसे लगे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज ना बच्चे और ये तो गए हैं कहीं शादी में और सिर्फ मैं थी घर में, तो इसलिए मैंने अपने लिए रोटी मैंने सुबह ही सेक ली थी और ये चावल अभी बनाए हैं। और दाल चावल रोटी सैलेड ये मेरा खाना हो रहा है और मैं दिन में अब खाना खा रही हूँ। छोटा वाला बेटा भी है घर पे, बड़ा वाला गया है अपने डैडी के साथ शादी में और उसने खाया नहीं, वो कहने लगा मैंने पराठे खाए थे तो बहुत हैवी हो रहा है, तो उसी ने मुझे ला के दिया है छोटे वाले बेटे ने ये खाना। ये देखो अच्छे से लाया है प्लेटिंग करके, बढ़िया। अब मैं खाती हूँ खाना। देखो फ्रेंड्स अब मैंने लंच कर लिया, अब मैं थोड़ी देर हुई हूँ फ्री, अभी मैंने बर्तन वगैरह कुछ साफ़ नहीं किया। जब शाम को चाय बनाऊँगी ना छोटे वाले बेटे के लिए तब सारे बर्तन मैं इकट्ठे करके साफ़ करती हूँ, मैं बार बार नहीं करती ऐसे। एक तो ठंडा पानी है, गीज़र में कुछ प्रॉब्लम आ गई आज, आज बहुत बर्तन साफ़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है किचन में काम करने में ना, तो मैं लेके बैठी हूँ आज अपना सिलाई का ये छोटा छोटा सा काम। तो ये मेरा सूट ना देखो जो मैंने एक वीडियो में पहले आपके साथ शेयर किया होगा, वैसे मैं इसका अलग से दूंगी, बट मैंने इसको ये फिनिश हो गया है मतलब बन के बिल्कुल रेडी हो गया, बस इसकी तुरपाई करनी थी ना, तो वो मैंने सोचा चलो कोई तो है नहीं, छोटा वाला बेटा है वो अपना लगा हुआ है कुछ कुछ करने में, तो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो इस पर तब तक तुरपाई कर लेती हूँ। तो इसके गले गले पे है बस तुरपाई करने के लिए, तो वो जल्दी हो जाएगा। और बाकी मैं उसकी जो थ्रेड वगैरह जैसे निकलते हैं ना सूट में जब हम सिल लेते हैं तो उसके बाद ना कुछ थ्रेड निकले रहते हैं, तो उनकी कटिंग वटिंग करके पूरा फिनिशिंग कर दूँगी मैं इस सूट की। ये देखो तुरपाई में देखो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, बाकी तो ये है कि मशीन से तो फटाफट हो जाता है। बाकी इसीलिए मैं ना तुरपाई का काम बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ सूट में,
जो पल्ले होते हैं ना उनको भी साइड से सिलाई लगा लेती हूँ, और उससे क्या होता है कि वो ना तो जल्दी से फटते हैं ना उधड़ते हैं, तुरपाई वाला ना उधड़ भी जल्दी जाता है, बट ये है कि बनाते हैं इसको इस तरीके से। तो मेरा यही काम था आज, मैंने दिन में कुछ नहीं किया ज़्यादा, बस सुबह नाश्ता बनाया था, बच्चों ने बाद में खाया नहीं, बेटा चला गया शादी में, ये भी मैंने खाना खा लिया बस, तो इसलिए फ्री थी तो सोचा इसमें अपना टाइम थोड़ा लगाया जाए, और ये हो गया मेरा काम ऑलमोस्ट। जो इसकी बची हुई सिलाई है ना वो उधेड़ रही हूँ मैं अब, ये भी एक छोटे छोटे से काम है, इसमें ना बहुत टाइम लगता है बैठ के करना। मैंने हीटर चलाया और तब बैठी हूँ, और मेरा बेटा देखो आ गया है शादी में से, ये तो आए नहीं, ये तो कहीं चले गए, बोल रहा डैडी कहीं चले गए थे, उधर से ही बाहर से छोड़ के चले गए होंगे ना, तो बच्चे आ गए तो बच्चे भी बात बात कर रहे हैं वहाँ, ये खाया वो खाया, ये देखो कैमरे के सामने नहीं आते वो ज़्यादा, वो तो मैं ज़बरदस्ती उन्हें कुछ ले लेती हूँ ना थोड़ा बहुत, ये अपनी मर्ज़ी से कभी कभी आते हैं, वरना ज़्यादा नहीं आते, बट मेरे बच्चे सपोर्टिंग बहुत हैं, जैसे कुछ बोलती हूँ तो सपोर्ट करते हैं बहुत, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब बच्चों के साथ मेरी और बच्चों की काफ़ी अच्छी बनती है। देखो फिनिशिंग मेरे सूट की पूरी हो गई है, ये देखो आज मैंने बस यही काम किया दोपहर में, अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, उसके बाद शाम को मिलूँगी आप। देखो फ्रेंड्स, अब हम अपने रात के डिनर की बना रहे हैं सब्जी, तो मैंने डाला है इसमें ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से खड़े मसाले, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, मुंह में आते हैं ना तो इसलिए नहीं खाते हैं, वरना मैं थोड़ा सा ना इनको पीट देती हूँ बेलन से या उसमें जिसमें अदरक कूटते हैं उसके बाद डालती हूँ, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखो ये कुछ खड़े मसाले हैं, साबुत मिर्च डाली मैंने, अब ज़ीरा डालती हूँ, और थोड़ा सा जब ये ज़ीरा भुन जाएगा उसके बाद डालेंगे, हमने ये चॉप करके रखा हुआ है टमाटर प्याज अदरक और हरी मिर्च, तो सबसे पहले मैंने अदरक को डाला, वो मैंने लंबे लंबे काट के रखे हुए थे, फिर हरी मिर्च डाली, जब ये थोड़ा सा हो जाए तब हम प्याज डालेंगे, क्योंकि वरना फिर अदरक ना मुँह में आता है तो कच्चा कच्चा सा लगता है, और मैंने प्याज को भी मैंने लंबा लंबा ही काटा है, तो इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर, जब तक हल्का हल्का सा ब्राउन ना होने लगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे प्याज जो हैं वो भून चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को भी मैंने लंबा लंबा ही काटा है, वो जल्दी गल जाते हैं थोड़ा सा, तो आप अपने रेगुलर स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, नमक मिर्च मसाला हल्दी और थोड़ा सा देगी मिर्च वगैरह जो भी आपको ऐड करना है, धनिया पाउडर जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, और उसको मिक्स कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, ये देखो थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे। देखो जब तक मेरे टमाटर भुन रहे हैं, मसाला भुन रहा है सब्जी का, तब तक मैं इधर साइड में ये सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है बिल्कुल लो, तो वो अच्छे से भुन जाएगा और मेरे यहाँ पे साइड में बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। आज ये सुबह के भी बर्तन देखो अभी ऐसे ही रखे हैं, अब लगाएंगे इनको, सारे इकट्ठे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना अब ठंडा पानी आ रहा है तो बार बार नहीं हाथ डाला जा रहा है, वरना तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ, बट फिर भी करना तो होता ही है, मैं जानबूझ के रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर, मैंने कहा यार बैठ जाती हूँ, आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया ऐसा, तो जो कपड़े धुले थे दिन में उनको भी बाहर से उठा के लाई हूँ, सूखे नहीं है वो ऐसे ही डाल दिए मैंने कमरे में, और ये देखो साथ साथ धुल के, थोड़ा मेरा सारा ही काम पार्लर में चलता रहता है ना, किचन में सभी के साथ ऐसे ही होता है, तभी जाके काम निपटता है, वरना कहाँ फिर तो ऐसे ही लगे ही रह जाओ, तो इसीलिए मैं ये सारे बर्तन साफ़ करके रखूँगी, फिर अब मैं इनको लगाऊँगी और आटा गूँधूँगी और साथ साथ बस अब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आपको पता है रोटियाँ मुझे काफ़ी सारी बनानी पड़ती हैं, मेरा सर्वेंट भी आता है, कुत्ते भी है मेरे तो वो भी खाते हैं, तो पहले मैं उन्हीं की बनाती हूँ फिर बनाती हूँ अपनी, क्योंकि सब लेट खाते हैं ना तो उनको निपटा देती हूँ सबको। ये देखो इस कटोरे में ना मैंने दूध गर्म किया, ये जल गया इसलिए इसको ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा है, ये देखो अब साके साफ़ हुआ ये, अब देखते हैं सब्जी को। देखो फ्रेंड्स, अब हम अपने मसाले को करते हैं चेक, और देखो अच्छे से भुन चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए था, और ये बहुत बढ़िया से भुना है, हमें ये टमाटर प्याज कोई मैश नहीं करने हैं, आज हम इसी के साथ
ये देखो मैंने शिमला मिर्च को मैंने लंबा लंबा काट के रखा है और बस ऐसे ही इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च कई तरीके से बनती है, मैंने आज प्याज के साथ शिमला मिर्च बनाई है और इतनी बहुत बढ़िया बनी थी ना, बहुत बढ़िया टेस्टी। बच्चे बोल रहे थे इतनी बढ़िया लगी, मैंने तो खाई नहीं बट बच्चे बोल रहे थे बहुत बढ़िया बनी हुई है। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक दूँगी। मैंने बीच में भी फ्रेंड्स इसको एक बार चलाया था और अभी फिर से चला रही हूँ। देखो कितनी बढ़िया कलर टेक्सचर आ रहा है। शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं पड़ती, थोड़ा सा क्रंचीनेस हो तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। और ये देखो शिमला मिर्च गल चुकी है, फिर भी मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ सिम आँच करके इसको। देखो फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी है, देखो कितना ऑयल छोड़ दिया ना इसने चारों तरफ से। ये बन के बिल्कुल रेडी है, इसका कलर टेक्सचर बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब कर लेते हैं हम इसकी प्लेटिंग। ये देखो अब मैं सब्ज़ी उतारती हूँ ऊपर से नीचे पहले, और ये मैं आपको दिखाऊंगी देखो कटोरी में डाल के। आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसकी जब सब्ज़ी की शक्ल इतनी बढ़िया हो ना तो खाने में तो मज़ा आ ही जाता है। इसे मैं मूली के साथ सर्व कर रही हूँ, ये सिरके वाली मूली है। और अब रख रही हूँ मैं चपाती। ये हो गई हमारी थाली बिल्कुल तैयार। देखो फ्रेंड मेरी प्लेट लग के तैयार हो गई है डिनर के लिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और जैसे कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो उसके लिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है ऐसा, स्टीम में बन जाएगी। इतने में आप आटा गूंदोगे ना इतने में ये सब्जी बन जाएगी। ये प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी है तो ये इंस्टेंट बनने वाली है, जो वो बिल्कुल स्टीम में एकदम से बन जाती है, तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और आप इसे बनाएं खाएं, गार्निशिंग के लिए धनिया डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला तो आप डाल सकते हैं। तो अच्छी लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।